अटेली के प्यारे और न्यारे भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हम सबकी जो प्यारी बेटी है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है और जिनमें एक बहुत सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री आरती सिंह राव जी, यहाँ के निवर्तमान विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद डॉक्टर राकेश कुमार जी, सदस्य राष्ट्रीय परिषद और जिला प्रभारी भाजपा श्री शंकर धुपड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहां पर उपस्थित अटेली के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आया हूं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम का विराजमान हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का कार्य है। मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार चलती तो स्पीड भी डबल होती है। आप हमेशा मेरे निगाह के अंदर रहे थे, चाहे मैंने आपका प्रतिनिधित्व करा हो या ना करा हो, वेंकट वाला हो, राजमा वाला हो, माना चौधरी वाला हो, आप सभी ने मेरी इज्जत बरकरार रखी है, मेरी पार्टी की इज्जत बरकरार रखी है। आज आपसे एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ और 36 बिरादरी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीता सकता। सभी बिरादरियों का ध्यान हमारी पार्टी रखती है और मैंने भी पार्टी का वफादार सभी का साथ मैंने निभाने का कोशिश किया है। योगी जी के सामने मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इनकी बात सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर बेकरार हैं, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए और अपना स्थान लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख